नागपुर जिला परिषद व पंचायत समिति सार्वत्रिक चुनाव 2020 के लिए बेसा जिला परिषद उम्मीदवार मेघा गुलशन मानकर, बेसा पंचायत समिति उम्मीदवार सुप्रिया राष्ट्रपाल पाटिल, डोंगरगांव पंचायत समिति उम्मीदवार उज्ज्वला रोशन खड़से इनके चुनाव प्रचार रैली को मतदाताओं का भारी प्रतिसाद मिल रहा है। डालते एक नजर। नागपुर जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव का बिगुल फूंका गया है। भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, रिपाई गवई, पिरिपा आगाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार अपने चुनाव चिन्ह पंजा को लेकर मैदान में उतर चुके हैं। नागपुर बेसा जिला परिषद की उम्मीदवार मेघा गुलशन मानकर, एससी महिला राखीव, बेसा पंचायत समिति उम्मीदवार सुप्रिया राष्ट्रपाल पाटिल, एससी महिला राखीव और डोंगरगांव पंचायत समिति उम्मीदवार उज्ज्वला रोशन खड़से अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ हाथ में पंजा चिन्ह के झंडे लेकर ढोल ताशा व संदल की धुन पर वारे पंजा आ गया पंजा के नारे देते हुए मतदाताओं से आशीर्वाद लेते नजर आए। कार्यकर्ता हाथ में पॉम्पलेट लिए मतदाताओं को पंजा पर मुहर लगाने की बात करते नजर आए। जिस परिसर से यह रैली, उस परिसर के नागरिक मेघा गुलशन मानकर, सुप्रिया राष्ट्रपाल पाटिल और उज्ज्वला रोशन खड़से आदि उम्मीदवारों को हाथ हिलाकर आशीर्वाद देते नजर आए। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इस रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। चुनाव चिन्ह पंजा के मेघा गुलशन मानकर, सुप्रिया राष्ट्रपाल पाटिल और उज्ज्वला रोशन खड़से, जयंत दलवी आदियों ने इनबीसीएन से बातचीत की। आइए डालते हैं एक नजर। हाल ही में देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए, उसके बाद में जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई वो जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव हुए हैं। जी हम बात करने जा रहे हैं बेसा और डोंगरगढ़ के अंतर्गत आने वाले जो पंचायत समिति जिला परिषद है वहाँ के लिए कुछ कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये तीन जो कैंडिडेट है कांग्रेस की ओर से खड़े हैं, जिस प्रकार से ये बैनर पर लिखा है कि सौ मेघा गुलशन मानकर, सौ सुप्रिया राष्ट्रपाल पाटिल और जो तीसरा जो नाम है खड़से, ये नाम की ये तीनों कैंडिडेट है। आइए इनसे भी जानना चाहेंगे हम, ये सबके हाथों में इस प्रकार के पर्चे और जो ये जो पूरा जो लोग देख रहे हो आप यहाँ पे, ये लोग सुबह से ही अपने उम्मीदवार के प्रचारार्थ ये लोग निकले हुए कैनवासिंग करते हुए के जोरों शोरों से प्रचार शुरू है। सबसे पहला जो प्रचार यहाँ पे जो बड़े पैमाने पे पंजा की ओर से किया गया है, लोग तालियां बजाते हुए नजर आ रहे हैं। इतना माहौल इस गांव में है और लोगों को पूरे नारों से सराबोर हो उठे हैं ये परिसर। क्या छोटे, क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, हर किसी के इसमें ये पूरा माहौल दिखाई देता है। और यहाँ पे तकरीबन इस समय में कम से कम हजारों की तादाद में यहाँ पे पूरे कार्यकर्ता लोग हैं। जिस गांव में गए उस गांव से भी इनको भारी प्रतिसाद मिला है। आइए हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे मेघा मानकर हमारे साथ में। मेघा मैम ये बताइए कि क्या चाहती हो चुनाव में उतरने के पीछे का आपका उद्देश्य क्या, क्या करना चाहती हो आप? हम ये इलेक्शन के दौरान जहाँ जहाँ घूमे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए हम, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भी कुछ करना चाहते हैं। लेडीज़ के लिए ज़्यादातर गांव में बहुत सारा लेडीज़ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, गर्ल्स का है बहुत ज़्यादा। और लेडीज़ का ये है कि कुछ काम नहीं है उनको, दोपहर का समय जो रहता है वो बिल्कुल फ्री टाइम रहता है, तो वो समय में कुछ कर नहीं सकते, तो वो बोल रहे कि कुछ करो हमारे लिए। तो हम अगर आते हैं तो उनके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। और जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए ग्रीन जिम, ये बहुत सारी योजनाएँ हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या नाम है आपका? मेघा गुलशन मानकर, नेशनल कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमें पंजा ये चुनाव चिन्ह मिला है। मैं मेघा गुलशन मानकर जिला परिषद के लिए खड़ी हूँ। क्या अपील करती हो आज आप दर्शकों से? दर्शकों से मैं ये अपील करती हूँ कि बहुत सारे भारी मतों से आप मुझे जीत दिलाइए और कांग्रेस पक्ष को बहुत भारी मतों से विजय बनाइए।
बिल्कुल, तो आप थी मेगा मानकर जिन्होंने बखूबी विभाग के साथ बात करते हुए कहा कि अगर वे चुन के आती है तो सबसे पहले जो इनकी जो प्रायोरिटी होंगी वो महिलाओं के लिए होंगी, महिलाओं के लिए यहाँ पे ऐसा कुछ विशेष नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती है, विद्यार्थियों के लिए कुछ करना चाहती है, ये सब परिसर के जितने बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए जैसे लाइब्रेरी हो, जिम हो और तमाम ऐसे इनके जो एजेंडे हैं उसको पूरा करना चाहती है और इसीलिए ये पूरे आज इस सर्कल में आए हुए हैं खापरी के। और कुछ दूसरी भी उम्मीदवार हमारे साथ में, मैम आप क्या करना चाहूंगी, क्या चाहती हो आप? मैं सुप्रिया राष्ट्रवाल पाटिल, मैं पंचायत समिति के लिए बेसा सर्कल से खड़ी हुई हूँ। मेरा हमने जिस दौरान ये दौरा किया है अभी चुनाव के दौरान, जिन जिन गांव में गए हैं वहाँ पर ज़्यादा तो गटर लाइन का प्रॉब्लम है, रास्ते का प्रॉब्लम है और लेडीज़ को भी लेडीज़ का भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। वो कहते हैं हमको रोजगार ही नहीं है, वो लोग चाहते हैं कि बचत गट से माध्यम से हमको कोई रोजगार मिले और जो युवा बेरोजगार है उनको उनके लिए हम लोग रोजगार माहिती केंद्र खुलवाना चाहते हैं और जो नागरिक है ज्येष्ठ नागरिक उनके लिए भी हमारे इसमें प्रावधान है। जो पाटिल मैडम ये बताए कि अक्सर लोग जब चुनाव तो जीतते हैं मगर चुनाव जीतने के बाद लोग आते नहीं है, ऐसे लोगों का कहना है मतदाताओं का, क्या आप भी चुनाव जीतने के बाद गायब हो जाओगे? नहीं, मैं पहले भी बेसा बेलतरोड़ी ग्राम पंचायत से सदस्य रह चुकी हूँ और मैंने बहुत सारा नोटिस किया है कि लोगों को यही रहता है कि आप चुनाव के वक्त हाथ जोड़ने आते हैं, बाद में किसी का मुंह नहीं दिखता। तो मुझे तो लगता है नहीं, कम से कम साल में एक दो बार तो जाना चाहिए, लोगों को जो जो प्रॉब्लम्स है उनके सोचना चाहिए, उनके ऊपर विचार विनिमय करके उनका समाधान करना चाहिए। बिल्कुल, इस समय में तीसरी जो उम्मीदवार है उज्ज्वला खड़से, उसे भी जानना चाहेंगे। खड़से मैडम ये बताइए कि क्या लगता है आपको, जब आपने ये पूरा भी चुनाव में जो प्रचार दौरा आपका शुरू है, क्या खामी है, क्या कमी लग रही है आपको गाँव में जाने के बाद? गांव में बसेस नहीं है, बसे की सुविधा करून मी आणि हे घरकुल त्याची योजना करील आणि बेरोजगार बायांसाठी आणि महिलांसाठी पण करू शकते मी आणि गटासाठी भी करू शकते, गडर लाईन ग्रामपंचायतमध्ये आणि स्मशानभूमीमध्ये हे करून, रस्ते खड्डे पडले आहे, खूप सारे सुविधा आहे, कोणाचे निराधारचे कार्ड करून द्यायचे आहे, खूप सारे योजना आलेल्या आहे, तर मी करून देऊ शकेल। क्या नाम है आपका? उज्ज्वला रोशन खड़से। तो आप थी उज्ज्वला रोशन खड़से जिन्होंने बखूबी विभाग के साथ बात करते हुए कहा कि यहाँ पे इस परिसर में ये जो पूरा जो क्षेत्र आता है जिला परिषद पंचायत समिति का, यहाँ पे बहुत ऐसे कामकाज करना भी बाकी है। इसके पहले के जो उम्मीदवार आए हैं जहाँ चुनाव हुआ था उन लोगों ने अब तक के कोई कामकाज नहीं किया, लेकिन अब की बार जैसे कि महाविकास आघाड़ी सरकार राज्य में है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे इन लोग भी जो खड़े हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, रिपाई गवई, पीरिपा आघाड़ी युति के ये अधिकृत उम्मीदवार जो तीनों यहाँ पे मोहतरमा दिख रही है, इन्होंने काफ़ी अच्छी बात की है। मैं फिर से एक बार मेघा मैम के पास जाना चाहूँगा। मेघा जी ये बताइए कि जब आपने ये पूरे सर्कल का चक्कर मारा तो आपके लोगों जो मतदाता थे उनका क्या कहना था? मतदाताओं का ये कहना था कि जैसे कि आपने कहा कि आप एक बार वोट मांगने आते और उसके बाद तो आते नहीं, दिखते नहीं, तो हमने तो ये सोचा है कि अगर हम आते हैं तो फिर से बहुत यानी यहाँ पे आके फिर से मिलेंगे सबसे, सबके प्रॉब्लम्स फिर से सुनेंगे, क्योंकि अभी तो इतना टाइम नहीं है कि सब एक लोगों के पास जाके सबके प्रॉब्लम सुने, जितने भी हम सुन रहे हैं और बाकी बाद में आके और देखेंगे और सारे लोगों का समाधान करने की हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल, आइए चुन के आने के बाद ही की बात की है मैंने अब तक। लोग चुन के आने के बाद काम करने की बात करते हैं, लेकिन आप ऐसे तीनों पहली उम्मीदवार हो जो चुन के आने के पहले भी काफी अच्छा आपका जनसंपर्क रहा, लोगों से आपका मेल जुलाप जो था वो काफी अच्छा हुआ है, लोगों से आप बहुत बार मिले भी हो। इस समय में हमारे साथ में इनके साथ इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए जयंत दवी एक अपने पास ऐसे कांग्रेस के नेता है जो अक्सर उम्मीदवारों के साथ में रहते हैं। दवी साहब ये बताइए कि क्या कहना चाहिए इस बार को चुनाव को लेकर? इस बार का चुनाव बड़ा रोमांचक है, मानकर ताई, खड़से ताई, पाटिल ताई, इनको सभी का समर्थन मिल रहा है। यहाँ के जो सरपंच है बानेज जी, वो पूरी तरह से तन मन धन से लगे हैं, बहू है, सभी लोग लगे हैं और उम्मीद है कि इस बार यहाँ के अच्छे
अच्छे मतों से सीट निकलने वाली है। मैं लोगों से अपील करता हूँ कि जिला परिषद का जो अध्यक्ष है कांग्रेस का बैठ रहा है, आपको भी अपना व्यवसाय का अच्छा व्यवसाय विकास करना है तो ज़्यादा वोटों से कांग्रेस को चुन के लाना है, ये मेरी आपसे अपील है। बिल्कुल सर, आप क्या कहना चाहोगे, कैसा लोगों का जनाधार जो मिल रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत दिन के बाद कांग्रेस के अच्छे दिन आए हैं। हमारे नेता है सुनील बाबू केदार, जो अभी जस में कैबिनेट मंत्री बने हैं महाराष्ट्र शासन में, और आजकल में वो पालक मंत्री भी बनने वाले हैं। हम ये क्षेत्र में बहुत कमजोर थे, कांग्रेस बहुत कमजोर थी। मेगा गुलशन मानकर ताई है, सुप्रिया पाटिल ताई है और उज्ज्वला खड़से है, जो अच्छी कैंडिडेट हमको अभी मिली है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करेंगे कि इलेक्शन के बाद भी जो रिजल्ट आएंगे तो भी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचने की कोशिश करेंगे, उनकी जो भी समस्या है वो हल करने की कोशिश करेंगे। और मैं लोगों से अपील करता हूँ, सब नागरिकों से, कि गुलशन मेगा गुलशन ताई को, अपना मेगा मानकर को और उज्ज्वला खड़से को और सुप्रिया अपना पाटिल जी को बड़ी बहुत भारी मतों से विजय दिलाई है, ये मैं सब लोगों से अपील करता हूँ। सर ये यहाँ मुझे तो ये गेम पूरा मदारी के जैसा लग रहा है, मगर मदारी के लिए गेम करके नहीं होगा, क्योंकि ये जो लोग तालियां बजा रहे हैं ये उन लोगों के लिए बजा रहे हैं जो लोग पूरी तन मन धन के साथ में इन कैंडिडेट के साथ में, इन उम्मीदवारों के साथ में खड़े हैं। सुबह से ही ये लोग निकले हुए हैं अपने मिशन पे, रात होती है घर जाते हैं, कई ऐसे में इनके स्वास्थ्य को भी थोड़ा प्रभावित होते रहता है, मगर आखिरकार जो मतदाता लोग हैं उनके कामकाज भी करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मतदाता एक सबसे बड़ा राजा होता है और राजा के सामने ये तमाम लोग प्रजा है। उसके बावजूद ये लोग अच्छी सेवाएं देना चाहते, इस पूरे परिसर का विकास करना चाहते। सुबह से ये लोग निकले, इनके पीछे बड़े बड़े लोग थे, लेकिन एक बात मेरे को ये ध्यान में नहीं कि अब तक के कांग्रेस के जो वरिष्ठ जो नेता है वो क्यों नहीं आ रहे हैं। आ चुके हैं, कल ही हमारे भोयर साहब, सुरेश भोयर साहब का दौरा हुआ है और यहाँ के पूरे गांव उन्होंने कवर किए हैं। यहाँ पे छोटी छोटी और हाँ सुनील जी केदार आए, हाँ, और कल भी 11 बजे से लेकर बेसा से लेकर और जो भी छोटे छोटे गांव है वहाँ तक उनकी सभाएं होने वाली है, वो भी हर छोटे इंसान से लेकर बड़े होते मतलब उदया कल 11 बजे उनकी सभा होने वाली है बेसा चौक में। हाँ, और यहाँ से लेके खापरी पुनर्वसन से लेके डोंगरगांव और पूरा ये सर्कल वो घूमने वाले हैं, कल भी घूम चुके हैं और उनका भी हमको पूरी तरह से समर्थन है और हमको बहुत अच्छी तरह से वो इनकरेज कर रहे हैं। मैडम ये बताइए कि अब तक कितना किलोमीटर का सफर कर आपने किया है, क्या कहना चाहोगी? 40 से 50 किलोमीटर तक का। तालियों से पूरा परिसर गूंज उठ रहा है और इन्हें यह पूरा भरोसा है कि ये चुनाव जीतेगी। एक बात सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि चुनाव में हार और जीत होती रहती है, चुनाव जीते जाते चुनाव हारे जाते हैं, मगर याद में वही व्यक्ति वही उम्मीदवार होता है जो लोगों के काम का 365 दिन करता है, लोगों में जितनी भी अड़चनें समस्याएं आती है उन समस्या का जो हल निकलता है और उनके जो कामकाज आता है वही व्यक्ति लोगों के ध्यान में रहता है। और इस बार लोगों के ध्यान में रहने के लिए ये तीनों जो उम्मीदवार है, खड़से मैडम है, पाटिल मैडम है और मानकर मैडम है, ये पूरी तरह से तैयार है, मतदाताओं के साथ मिल रही है, उनकी समस्या क्या है उसको समझ रही है, नोटिंग भी हो रहा है। और ये जो महिलाओं की बात है, चलिए थोड़ा इनसी बात करते हैं। कंटिन्यू हमारा चलना रहता है इनके साथ, हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से यानी कुछ नहीं कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है, कुछ नॉलेज मिल रहा है उनकी तरफ से, बहुत मेहनत कर रहे हैं ये लोग, इसका फल इनको जरूर मिलना चाहिए। वारे पंजा आ गया पंजा के नारों से ये तमाम जो परिसर है ये सराबोर उठा है। और इस बार आप थोड़ा प्लान करके सुभाष बताइए कि कितने यहाँ पे जो लोग आए हुए यहाँ से दूर दराज से, ये कितनी बड़ी संख्या में है, तकरीबन 1000 के आसपास ये लोग हैं और लोगों के चेहरे पे देखिए कैसी किस प्रकार से आनंद है, हंसी है, उत्साह है, हर कोई जीत का पूरा दावा कर रही है, वी यानी दो उंगली बता रहे, विक्टरी बता रहे हैं कि जीतेंगे तो हम ही, और हो भी क्यों ना, हर किसी के हाथ में ये पॉम्पलेट भी है और लोग इतने तो अपने घरों से भी ये नजारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं। ये देखिए कितना बड़ा माहौल दिखाई दे रहा है, इन तमाम सौ सुप्रिया राष्ट्रपाल पाटिल और मेगा गुलशन मानकर, इनका
और उज्ज्वला ताई खड़से, ये जो तमाम जो तीनों उम्मीदवार है, ये उम्मीदवार ये तीन लोग है। तो दर्शकों, आप घर में ये प्रोग्राम देख रहे हो और ये न्यूज चैनल आप सभी के घर में जाता है जहाँ पे ये उम्मीदवार खड़े हैं, जिस निर्वाचन क्षेत्र से खड़े हैं। अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो हम आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि अब की बार जिसे भी आप वोट देना चाहो ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो कामकाज करे, लोगों के लिए तत्पर रहे, हमेशा दौड़ के आए और उनकी परेशानी, उनकी समस्या अपनी समस्या है समझे, लोगों के कामकाज है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे विद्यार्थी हो, इनके लिए गांव में अच्छा काम होना चाहिए। क्योंकि लोकसभा विधानसभा में चुनाव आते हैं, होते रहते हैं, बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, कुछ लोग वायदे को पूरा करते हैं, कुछ लोग सिर्फ बातें करके ही निकल जाते हैं, मगर अब की बार ऐसा नहीं होगा। ये विश्वास इस कांग्रेस की ओर से लोगों ने दिया हुआ है, पूरा विश्वास है आपके कैंडिडेट जीतेंगे। तो ये विश्वास अगर मन में है तो मैं यही कहना चाहूंगा इन तमाम लोगों के लिए कि हिमालय की है पुकार, बहादुरो बढ़े चलो, हिमालय की है पुकार, बहादुरो बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, आगे सबसे हो चलो। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज नागपुर।